हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। देखिए, जो एमडीयू का एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का जो है एक क्वेश्चन मुझे और मिला है, जैसे मैं अभी इसको सोल्व कर रही हूँ, जिसकी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और जिसके सारे ऑप्शंस भी रॉन्ग हैं। क्या क्वेश्चन आया हुआ था? द सलेक्शन रूल फॉर पासिंग, पासिंग नहीं रहेगा, ये पाशन बैक इफेक्ट होता है, पासिंग इफेक्ट। और ऐसा कोई फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें सलेक्शन रूल पूछा जाए आपका पासिंग इफेक्ट के लिए, और ये फाइनल क्या है? पाशन बैक इफेक्ट। ऑप्शंस क्या क्या थे? डेल्टा एम जे इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन था डेल्टा एम जे इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन, थर्ड ऑप्शन था डेल्टा एम जे जीरो प्लस माइनस वन, डेल्टा एम एस जीरो, फोर्थ ऑप्शन था डेल्टा एम जे इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन, डेल्टा एम एस इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल्टा एम एल में होता है और डेल्टा एम एस में होता है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डेल्टा एम एल जो कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वजह से आता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ये हो जाता है टोटल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इसके ऑप्शन होने थे डेल्टा एम एल इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन, डेल्टा एम एस जीरो। ये थर्ड ऑप्शन दिया है, ये कोड ए में देख रही हूँ तो उसका ट्वेल्थ क्वेश्चन है, तो ये डेल्टा एम एल होना चाहिए था। तो ऑप्शंस भी रॉन्ग हो गए, स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। अब नेक्स्ट थिंग आ रही है कि आप में से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इन क्वेश्चंस को चैलेंज कैसा किया जाए, ऐसा साइट पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप जो है डिपार्टमेंट की मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सोल्व करके डाला है। आप एग्जैक्ट ऐसे ही सोल्व करके अपने प्रेजेंटेशन बना के और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एज सच करके कि ऑब्जेक्शंस इन आंसर के कुछ आप ऐसा सब्जेक्ट बनाएंगे, और आप इन क्वेश्चंस को डिपार्टमेंट की मेल आईडी पर मेल जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आज ही के डेट में आप इसको मेल कर दें, क्योंकि इसका 24 आवर्स का या 48 आवर्स का टाइम होता है। ओके, थैंक यू।